नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और आप लोगों ने सुबह का मौसम देखा किस प्रकार मौसम बना हुआ है। सुबह लगभग 5:30 बजे से यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई थी, थोड़ी अभी बारिश रुकी हुई है। तो मैं जा रहा हूँ कसैली मार्केट को दूध पहुँचाने के लिए। आप तो जानते हैं सुबह एक ही काम होता है, तो कसैली मार्केट चलते हैं, दूध यहाँ वहाँ पर दे के आते हैं। और मौसम देखिए, मैंने आप लोगों को दिखाया सुबह किस प्रकार मौसम हुआ था। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, दिन स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ होने वाला है चैनल में। चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे ऐसे आने वाले ब्लॉग के लिए। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कसैली मार्केट की तरफ। मैं आ चुका हूँ उधर सामने में से, और देखिए इस तरफ को क्या माहौल बना हुआ है, कैसा मौसम बना हुआ है, खतरनाक मौसम। सुबह भी बारिश हुई है। मैं जा रहा हूँ कसैली मार्केट को, और इतने वहाँ से यहाँ आने तक का हाथों में इतना ठंडा हो गया, बता नहीं सकते, बहुत ही ठंडा हो रहा है दोस्तों। तो चलते हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं रोड में, और सुबह का मौसम देख रहे हैं बारिश के बाद कैसा बना हुआ है। पहाड़ों की गहराइयों से एकदम धुआं कोहरा उठता हुआ। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दूध डेयरी कसैली पे, और यहां पर आज थोड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। और सामने मुक्तेश्वर घाटी पे देखिए, व्यू तो आ नहीं रहा है, मस्त ग्रीनरी देखने को मिल रही है। सुबह भी बारिश हुई थी और शाम को भी बारिश हुई थी कल। तो इस प्रकार के नज़ारे हैं अभी मॉर्निंग में कसैली मार्केट पे, और दूध की डेयरी में अपना दूध फिलअप करते हैं फिर निकलेंगे। तो दोस्तों दूध की डेयरी से आ चुका हूँ मैं दूध तोल के, और अभी घर को जा रहा था। और थोड़ी मस्त अभी धूप आई है हल्के हल्के, और सामने बंदर मिल गए दो चार। देखिए ठंड में इधर उधर अपने भोजन के लिए तलाश कर रहे हैं। तो निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। फाइनली दोस्तों सीन ऐसा है, मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और गजब ठंडा हो रहा है, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। सुबह बारिश हुई है, ऊंची ऊंची जगहों पे बर्फ गिरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। दोस्तों फाइनली घर पे पहुंच चुका हूं। कन्नो यहां पे मैगी बनाने में लगा हुआ है, क्या कह रहा है, बन गई? तो दिखाता हूँ कन्नो ने बना रखी है मस्त मैगी, मटर दा के वेजिटेरियन मैगी। तो नाश्ता वास्ता करते हैं, ठंडा तो बहुत हो रहा है। पुष्कर तेरे को कितना ठंडा लग रहा है? बहुत लग रहा है ना। साथ में अमित भाई यहाँ पे सेक रहा है आग कोयले के। मनु, ओ मनु, ओ मनु, हेलो कर दे। बाहर काफी ठंडा हो रहा है, और बच्चों को अपनी मस्ती सूझ रही है। वो कहते हैं ना बच्चों को ठंडा कहाँ लगता है, अंदर क्यों नहीं बैठ रहे हो रे? मनु अंदर क्यों नहीं जा रही है? हो रहा है तेरे को? तो ये लोग अंदर जा नहीं रहे, अपने मस्ती में लगे हुए हैं। नाश्ता वास्ता कर लिया सभी ने। तो फ्रेंड अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, ठंडा काफ़ी हो रहा है। आसमान में देखिए काले बादल फिर से आने लगे हैं। हम लोग कर रहे हैं आग जलाने की तैयारी यहाँ पे। और आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करते रहे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए आग जलाने की बढ़िया तैयारी हो रही है, तो आग जलाते हैं फिर सेकते हैं आग। दोस्तों बड़ी मुश्किल से अभी धूप आ रही है, हल्की धूप आई है, फिर भी धूप धूप होती है दोस्तों। हल्की सी धूप भी बढ़िया लग रही है अभी, और शरीर पे पड़ रही है तो एकदम गर्मी जैसी लग रही है, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है। तो घर पे हो रखे हैं मस्त माल्टा, ये देखिए। लेकिन ठंड के दिन है, सर्दियाँ इतनी पड़ रही हैं कि इन्हें खाने की भी नहीं लग रही है।
तो दोस्तों शाम के 5:30 बज रहे हैं और धूप लगभग चली गई है जो आ भी रही थी हल्की दुल्की, तो और पूरे बादल ही लगे हुए हैं। मैं और कन्नू घूम रहे हैं आसपास, ऐसे ही कुछ काम है नहीं, ऐसे ही काम आसपास में घूम रहे हैं। तो कन्नू कहाँ चलना है? कन्नू को कह रहा है कि ऊपर चलना है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये बता रहा है कि हमें जाना है ऊपर, वहाँ ना तो ऊपर वो जंगल जैसे जो बांज के पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर हम चलते हैं। तो चल वहाँ घूम के आते हैं। तो यही सब हो रहा है दोस्तों, कुछ हो नहीं रहा है। 2-3 दिन से आपको पता ही है कि बारिश ही हो रही है पहाड़ों पे, और कुछ तो ज़्यादा हो नहीं रहा है। कहीं कहीं तो बर्फबारी भी हुई है और ठंडा इतना हो रहा है, काम कुछ हो नहीं पा रहे हैं। तो बस घर ही में है, दिन भर ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। और देखिए धूप चली गई है और सामने पूरा मस्त यहाँ पे बादलों ने घेर लिया है घाटी, और एकदम काले बादल हैं देखिए। और यहाँ पर पानी आ रहा है हमारा नेचुरल स्रोत। तो बस यहाँ पर जाना है हमने ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, तो चलते हैं वहाँ पे। फाइनली दोस्तों अभी सेक रहे हैं आग। ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद,